नमस्ते, आपने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? मैं आपका स्कूल हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, आपको आपके बचपन में ले जाऊंगा, आपको कुछ सिखाऊंगा, आपको कुछ बताऊंगा। मेरे से बात करेंगे ना? इस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी जब आप घर हैं, आप मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मुझे पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं। बहुत खुश होता हूँ। मैं तो वहीं पर हूँ, लेकिन आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, खुश हैं। मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो सिचुएशन वर्ल्ड में आई है ठीक हो जाए और मेरे बच्चे फिर से मुस्कुराए, खिलखिलाए और मुझे एक बिल्डिंग से स्कूल बनाए। तो मेरे से बात करने को तैयार है ना? और मुझे पता है आपको मेरी बातों में बहुत प्यार दिखेगा, आपको मेरी बातों में बहुत स्नेह दिखेगा। आज हम कितने खुश हैं, हमारे घर बिटिया हुई है। ये बहुत बड़ी होगी, ये खूब पढ़ेगी लिखेगी, ये हमारा नाम ऊंचा करेगी, ये देश का नाम ही ऊंचा करेगी। इसका भाई भी कितना खुश है, हमारी बिटिया हुई है। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी और खूब अच्छे से आकर हमें अपनी कहानियां भी सुनाएगी। कितना अच्छा रहेगा ना, हमारी बिटिया, हमारी प्यारी बिटिया। कल से मेरी प्यारी रानी बिटिया स्कूल जाएगी। मम्मा ने आपको ये बताना था, कल से आप स्कूल जाओगी। मुझे स्कूल ले जाना, मुझे घर पे रहना, मैं अपने टॉयज के साथ खेलूंगी। मुझे स्कूल ले जाना, मुझे पता ही नहीं होगा कैसा होगा स्कूल। पता नहीं मैं कौन फ्रेंड बनेगा, मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे स्कूल ले जाना, लेकिन शायद जाना पड़ेगा। मैं रोती हूँ, आई एम नॉट क्राइंग बेबी। हैप्पी हैप्पी स्कूल जाऊंगी, मैं हैप्पी स्कूल जाऊंगी। हैप्पी हैप्पी तो मेरा स्कूल भी लगता मेरे से खुश होगा। मैं खुश होके जाऊंगी, जाऊंगी मैं। मुझे पढ़ना है ना, मुझे बहुत बड़ा पढ़ना है। मम्मा पापा भी बोलते मुझे बहुत पढ़ना है, इसलिए मैं फिर हैप्पी हैप्पी स्कूल जाऊंगी कल। मैं स्कूल आ गई, मुझे तो कुछ सबको पता नहीं। बिल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन मुझे बात कौन करेगा? ये किसी की आवाज आ रही है मेरे को, कुछ बोल रहा है कोई मेरे से, ये कोई मेरे को बुला रहा है। ये अच्छी आवाज है, ये कौन बुला रहा है? मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुनती हूँ कोई कुछ बोल रहा है मेरे को। हाँ कोई बोल रहा है, सुनती हूँ मैं। मैं आपका स्कूल बोल रहा हूँ बिटिया, वेलकम। आपके आने से मेरी बिल्डिंग स्कूल बन गई।
आपको पता है आपके पेरेंट्स, आपके मम्मा पापा आपका फर्स्ट स्कूल होते हैं। स्कूल वो है जो आपको एजुकेशन देगा। स्कूल वो है जहां पर आपकी किस्मत खुलेगी, क्योंकि आप मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे। आप गिरोगे, मैं आपको उठाऊंगा, मैं आपको संभालूंगा। आप गलत जाओगे, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। आपको मेरे से दोस्ती करनी है ना? मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। नमस्ते स्कूल। देखो मैं स्कूल यूनिफॉर्म में आ गई। मुझे आप बहुत अच्छे लगे, मुझे आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन आपको पता है मेरे को ना थोड़ा सा डर लगता है, ये ना हो मैं अच्छी स्टूडेंट ना बन पाऊँ, ये ना हो मैं कुछ कर ना पाऊँ। जैसे मैं अगर घबराती हूँ, आप मुझे संभाल लेंगे ना? मुझे पता है आप मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं एक डिसिप्लिन बच्ची बनूंगी। मैं प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आई हूँ, मैं अपना बैग लेकर आऊंगी, खूब अच्छे से पढ़ाई करूंगी। आप मुझे डायरेक्शन दिखाएंगे ना? आप मेरे फ्रेंड बनेंगे ना? स्कूल आज मेरा कंपटीशन है रेस का। मैं खूब तेज की भागूंगी, फिर मैं जीतूंगी। मैं भागूंगी फिर मैं जीतूंगी। हाँ हाँ मैं सच्ची में बहुत तेज की भागूंगी। आई आ, 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 मैं गिर गई, मुझे इतनी तेज की चोट लग गई है। बहुत दर्द हो रहा है स्कूल, बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं भाग सकती, मैं सच्ची नहीं भाग सकती। मुझे जीतना था, मुझे ना अपने फ्रेंड्स के साथ भागना था। मेरे को उनसे जीतना नहीं था, मुझे अपने को भी तो दिखाना था। मैं गुड गर्ल हूँ, मैं कोई कंपटीशन नहीं रखती, कोई जेलिसी भी नहीं रखती किसी से। मुझे सब अच्छे लगते, लेकिन मुझे दर्द हो रही है। मैं नहीं उठ सकती, मैं स्कूल नहीं उठ सकती। मैं सच्ची नहीं भाग पाऊंगी, सच्ची नहीं भाग पाऊंगी। उठ मेरे बच्चे, उठ मेरी बिटिया, आप कर सकते हो। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा मेरी बिटिया। आज मेरे दोस्त जो 13-14 साल पहले मेरे पास आए थे, बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट बने हैं, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को अपने पास रखा है। वो डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट आती है, उनको पता है कि उनको अपनी फिजिकल कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं, वो मेंटल कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और आपको पता है इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जब सारे वर्ल्ड के लोग सफर कर रहे हैं, मेरे दोस्त तब भी लगे हुए हैं। वो सोशल कॉज के लिए भी काम करते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, वो पावर ऑफ शेयरिंग भी जानते हैं। उनको पता है कि उनको मेरा नाम ही नहीं, अपनी फैमिली का नाम, अपने देश का नाम, अपने वर्ल्ड का नाम भी इतना ऊंचा करना है कि सारी स्काई में उनका नाम हो। वो मेहनती हैं, वो मेहनत से नहीं डरते, वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है मैं उनके पास हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। वो जहाँ भी हैं मैं उनके साथ रहता हूँ। तेरा तू, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा तू।
आपको पता है मेरे को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला जो आपने मुझे टिप्स दिए थे 13-14 इयर्स पहले। मुझे सब याद थे, मैंने वही फॉलो किया। मैंने टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू करी, मैंने डिसिप्लिन की वैल्यू करी, मैंने टीचर्स की बात को बिल्कुल सीरियसली सुना, मैंने रिवीजन भी करी। मैं जब घर जाती थी मैं पूरा रिवाइज करती थी, मैं एग्जाम्स में एक एक चीज रिवाइज कर कर आती थी। आपको पता है स्कूल, आई एम सो हैप्पी टूडे, आई मेड यू प्राउड स्कूल। आपने कहा था ना जब मैं आई थी कि मैं अपनी फैमिली का नाम करूं, मैं आपका नाम करूं, मैं देश का नाम करूं, वर्ल्ड में नाम करूं। आई मेड इट माय डियर स्कूल, आपकी मोटिवेशन से। थैंक यू माय डियर स्कूल फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज। थैंक यू माय डियर स्कूल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू, यू मेड मी प्राउड। आई एम सो हैप्पी फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। लव योर लाइफ, love the way you are, and I'll be so happy for you always. Thank you so much. God bless you.